सिर्फ उन किसानों को फायदा देंगे जो दूसरा कोई लाभ नहीं ले रहा है। मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, मेरे 4 बीघा जमीन है, मैं MLA बन गया, इन गिरदारी जी खेत में ही अभी तक टिड्डी उड़ा रहे हैं, मुझे किसान क्यों नहीं मानेंगे? आप ये कह सकते हो आपको ये लाभ नहीं देंगे? आप अधिसूचित करके कैसे कह सकते हो मैं किसान नहीं हूं? ये भारत सरकार ने कह दिया, इसका मतलब आप भी कह दोगे? दूसरा एक छोटा सा निवेदन है, ऐसे किसी बैंक से किसी फूड प्रोसेसिंग के लिए, कोई वेयर हाउस लगवाने के लिए लोन दिलवा दीजिए किसान को, जिसने 3 साल आयकर रिटर्न नहीं भरा। कोई बैंक KCC नहीं दे रहा साहब, किसी किसान ने KCC सरकार के फायदे से पैसे जमा करवा दिए 50% फायदे में, 2-2 साल उसकी सिविल ठीक नहीं करते। ये सब हवाई आदेश है। मेरा निवेदन है मंत्री जी से कि आप हमें कर्षक मानिए, आप जनप्रतिनिधि को कर्षक से परिभाषित दूर मत कीजिए। आप हमें फायदा जो नहीं देना चाहते, हम मानते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को, गरीब से गरीब आदमी को, आखिरी आदमी को न्याय मिले, हम इस बात की पैरवी करते हैं, लेकिन आप परिभाषित करके हमें कर्षक के अधिकार से वंचित मत करिए। ये मेरा निवेदन है आपसे और मंत्री जी से और सरकार से। हम किसान हैं, किसान की बात करते हैं। आप अगर ये कह दोगे कागज में कि आप किसान नहीं हो, अब आप एक बात करिए, आप डिग्गी के लिए कह रहे हैं साहब डिग्गी बनाइए ज्यादा से ज्यादा, जिससे पानी का बचाव। आप फूड प्रोसेसिंग के लिए आप MLA को वंचित कर रहे हो, आप MP को वंचित कर रहे हो, आप जिला प्रमुख को वंचित कर रहे हो, आप पूर्व सांसद पूर्व MLA को वंचित कर रहे हो, आप अधिकारियों को वंचित कर रहे हो। और उस किसान के पास तो ये बात ही नहीं पूछे कि फूड प्रोसेसिंग क्या है वेयर हाउस। अब जब पिछली बार सरकारी खरीद बढ़ी और जब वेयर हाउस की जरूरत पड़ी, तब हमने जाकर के लोगों को कहा कि वेयर हाउस बनाइए, नहीं तो वेयर हाउस आम किसान कहां जानता है वेयर हाउस। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस आदेश को पूर्ण रूप से संशोधित करके जनप्रतिनिधियों कर्षक मानिए, लेकिन जो आखिरी आदमी को चीज मिलनी चाहिए उसके लिए आप और राइडर्स पैदा कर सकते हैं, किसान होने के अधिकार से वंचित मत करिए। माने किसान भाई किसानों के खाते भी सीधे जाएंगे हर साल सब्सिडी के 5,000 रुपए, इस प्रकार सालाना 11,000 सम्मान निधि सही।